नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आए दिन सुर्खियों में रहने वाला संजय गांधी हॉस्पिटल नित नए कारनामों के लिए जाना जाता है। वहीं ऐसा ही एक मामला आज फिर देखने को मिला है, जहां एक्सीडेंट हुए मरीज का 3 बार ऑपरेशन करने के बाद भी हड्डी नहीं जुड़ पाई और पैर काटने की नौबत आ गई। परेशान होकर मरीज के परिजन छुट्टी करा कर ले गए, तो वहीं मरीज का इलाज वे कहीं और करवा रहे हैं। ये हाल है बिंद क्षेत्र के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल का। तो वहीं लालगांव निवासी राजीव द्विवेदी ने बताया कि उनकी माताजी का गलत ऑपरेशन करने से पैर की हड्डी तो नहीं जुड़ी, साथ ही पैर काटने की नौबत आ गई। अब आइए सुनते हैं कि मरीज के बेटे राजीव द्विवेदी का क्या कहना है और क्या कुछ कहा उनने, आइए आपको सुनाते हैं। ये हम संजय गांधी में जून में इनका एक्सीडेंट हुआ था मथुरा में, तो लाके संजय गांधी में अपन ने एडमिट किया था इनको, ठीक है। इसके बाद इनके दोनों पैर टूटे थे, दोनों पैर का सीजर यहाँ पे अमित चौरसिया जी ने किया। ये पैर सही है, इस पैर में सीजर करने के बाद टाँके जहाँ लगे थे वो घाव बन गया था यहाँ पे, ये जो है तो कम से कम इतना घाव है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद छुट्टी कराए, ड्रेसिंग वेसिंग करा के घर ले गए वापस। 15 दिन बाद जब बोले कि एक्सरे करवा लें, जब एक्सरे करवाया तो हड्डी जो है ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे होना चाहिए जहाँ हड्डी, यहाँ पे एक्सरे भी है, एक्सरे की वीडियो आपको दिखा देंगे, ये कंडीशन है। फिर इन्होंने कहा 16 तारीख को, 16 अगस्त को बोले आप फिर से वापस लाइए, दोबारा देखते हैं। 16 तारीख से आज दिनांक 23 से 24 जो भी तारीख है, वैसे के वैसे मेरा पेशेंट पड़ा हुआ है, कोई उपचार नहीं, सिर्फ 4 से 5 दिन में ये जांच वो जांच ये जांच वो जांच। तो जो ये पैर थोड़ा बहुत ठीक था, देखिए फिर सूजन आ गया, दिख रहा होगा इसमें, सिर्फ जाँच के चक्कर में ये इलाज हुआ है। तब या तो इनको यहाँ हाथ डाले रख के, इसलिए मैं इनको ले जा रहा हूँ कहीं और, दूसरी जगह दिखाऊँगा ये चीजें। बाद पहली बार जो आप पैर था ये आपका जो जिसकी हड्डी नहीं छूटी है, उसका कितनी बार ऑपरेशन किया? 3 बार। एक ही पैर का? एक ही पैर का। पहली बार कितनी बार ऑपरेशन किए भाई? पहली बार किए, दूसरी बार फिर किए, नहीं सेट हुआ, तीसरी बार फिर किए, तो इतना बड़ा घाव हो गया यहाँ पे, अभी भी हड्डी उसी तरह है, इस तरह की। पैर का 3 बार ऑपरेशन? हाँ। फिर भी हड्डी नहीं जुड़ी? कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए, 17 जून के एडमिट किया था, 24 अगस्त। डॉक्टर यहाँ के क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर यहाँ बोल रहे हैं लाओ एडमिट करो, कर देते हैं बस। ड्रेसिंग करने भी नहीं आता? ड्रेसिंग मैं खुद करता हूँ ड्रेसिंग, अगर ड्रेसिंग में करवाना हो तो 4-5 घंटे का टाइम लगेगा आपको। मरीज को बेड से उठाइए, स्ट्रक्चर नहीं है तो कहलते ले जाइए, है ना, ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। अमित चौरसिया जी ने किया था सीजर, इसके बाद उन्होंने दोबारा एक्सरे देखा, बोला एडमिट कर दीजिए, उस दिन झांकने तक नहीं आए बेड में क्या है। और जो यहाँ पे जूनियर डॉक्टर हैं बस वो पेशाब की जाँच, खून की जाँच, टीबी की जाँच करवाओ, इसको छींक तक नहीं आती, उसकी टीवी की जांच करवा, मतलब टाइम काटते हो यहाँ। जो एनएससीसीआ विभाग है जो बेहोशी वाला यहाँ, ये सबसे बड़ा चूतिया पा ये करते हैं डॉक्टर। तो जो ऑपरेशन जब ये सर्टिफाई करेंगे फिटनेस, तब तो ऑपरेशन करेगा डॉक्टर, ये मरीजों को लटकाए रहते हैं कि मरीज परेशान हो के यहाँ से भग जाए, बाद में बोलेंगे पैर कटा, अब बाद में बोलेंगे नहीं ज्यादा दिक्कत है, पैर कटवा दो खत्म करो, काहे परेशान हो। मेरे देखते देखते पिछले 3-4 दिनों में 4 से 5 इसी तरह टूटे हुए, जिनके राडें पड़ी हैं, इतने छड़े, वो बेचारे छुट्टी करा के चले गए, सिर्फ 10 दिन से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ड्रेसिंग होती थी बस, वो उनके बेचारे छुट्टी। अब हम जबरदस्ती करवा के लेके जा रहा हूँ, क्या करूँगा, मार डालू, सरकारी हॉस्पिटल है काका, नहीं वो हड्डी नहीं जुड़ी है, दोबारा कहीं और ऑपरेशन करवाएंगे। पिछली बार आयुष्मान से किए थे जून में, अब यहाँ आए तो बोले आयुष्मान आपका बंद हो गया, आयुष्मान है ये नहीं, मतलब घुमा तरका रहे कि ऑपरेशन करना ना पड़े, ये यहाँ करवा हुआ ना करे भग जाए। नहीं जब आप 3 ऑपरेशन आयुष्मान से कर रहे हो, ठीक, 1 महीने बाद मेरा आयुष्मान का ही नहीं लगेगा आपके अस्पताल में, कहीं बंद हो जाएगा, है ना, कई सारी चीजें हैं यहाँ पे। अरे 3 चक्कर गए, बोले नहीं लगेगा, बनेगा ही नहीं, रिजेक्ट है, आप ले जाइए, नहीं हो ही नहीं पाएगा यहाँ, ये कंडीशन। छुट मैं नहीं था, अभी आया हूँ, ये थे। हाँ बताओ क्या 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 करवाए हैं? हाँ 2 लाइन वो नहीं लिखा था, बाद में मेरे से साइन करवा लिए, फिर बाद में वो भी लिख दिया, अंगूठा भी अपने से लगा लिए, अंगूठा मेरा नहीं लगा, अंगूठा मेरा नहीं लगा हुआ, देख लीजिए मेरा अंगूठा, कोई साबूत नहीं है मेरे पास। डॉक्टर अपने से अंगूठा लगा लिया? डॉक्टर अपने से अंगूठा भी लगा लिया, 2 लाइन वो अपने से लिख भी दिए कि मरीज जो है अपने से छुट्टी करवा रहा है, अपने से स्वयं जो है यहाँ से जा रहा है, जबकि आपको यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। हाँ ये हड्डी का एक्सरे, ये एक अंगूर गया था, ये ऑपरेशन हुआ, ये रॉड टेढ़े पड़ी है, ये एक अंगूर दिख रहा है, वीडियो में देख लिया। हम बोलते हैं काका सरकारी हॉस्पिटल है ऐसे ही होता काम यहाँ, ऐसा भी बोलते हैं, सरकारी हॉस्पिटल है ऐसे ही काम होता है यहाँ, हाँ हाँ ऐसा ही काम होता है यहाँ। जब आपने वहाँ सिग्नेचर की तो क्या वो लाइनें लिखी हुई? वो लाइनें नहीं लिखा हुआ था उस समय, सादा कागज था, मेरे से साइन करवाए
मोबाइल नंबर लिखवाए और इसके बाद बोले कि 3 कापी इसका जीरोस करके मेरे पास दे देने का। अब बाद में जब फिर मैं जीरोस जो साइन कर उसके अंगूठा लगवाने के लिए आए तो उसमें वो भी लिख दिए, जब मेरा साइन हो गया तो 2 लाइन वो भी उसमें लिख दिए कि मरीज को अपनी मर्जी से लोग जो है छुट्टी करवा रहे हैं, ले जा रहे हैं।